अच्छी तरह हम समझ रहे हैं, पकड़िए तो क्या मारने के लिए बोल रहे हैं, बात समझ लीजिए, इसके बाद आपके बात करते रहे। ये जो कैमरे के खिलाफ धौंस और उग्रता देख रहे हैं आप, ये एक महा दलित समुदाय के द्वारा है जो आज तक सिर्फ अपने ऊपर सामंतवादी लोगों के द्वारा शोषण का आरोप लगाते हैं, किंतु वो आज जो सच्चाई की आंखों के सामने खड़ा होना नहीं चाहते हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई तस्वीर खींचे या उनके कृतज्ञता का उजागर करे। आप देख रहे हैं जो प्रथम आदमी बम्बू से कैमरा बंद करवाने की धमकी दे रहा है और दूसरे भीड़ के द्वारा मुझ पर भी जबरदस्ती करने की, कैमरा तोड़ने की और खुद के तस्वीर में ना आने की जो कोशिश कर रहा है, ये सब के सब इस चीज को प्रमाणित करता है कि खुद ब खुद अपने माया जाल से निकलना नहीं चाहते हैं, खुद को एक जाल में फंसा कर रखना चाहते हैं। इतनी बड़ी भीड़ का शकल देकर अगर प्रशासन या कहीं किसी भी प्रशासनिक महकमे पर चढ़ जाए तो उनकी पतलून ढीली कर दे। तो आप देख रहे हैं रिहायशी घर के ऊपर, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग लोग तक रहते हैं, उन घरों पर ये महादलित समुदाय के लोग एकत्रित होकर कुछ लोगों के सर पर उनके घर पर चढ़ जाते हैं। और तो और उनकी कृतज्ञता तब देखी गई जब सैकड़ों साल से रह रहे परिवार के सामने बम्बू लगाकर सारे कानून व्यवस्था की धता दिखाते हुए उनको घेर दिया गया है। सारी न्याय व्यवस्था वहां मरी हुई सी दिख रही है। वहां के सरपंच महोदय से जब बात करने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा कि जो राजनीतिक आडंबर है, जो मुखिया बनने या सरपंच पद पर कायम रहने की एक होर है जिसके वजह से इन महादलित समुदाय को भड़काया गया है। एक घर, जिस घर में सैकड़ों लोग रहते हैं, उसके सामने संत रविदास जी के नाम पर सामुदायिक भवन बनाकर मानवता को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर ह्यूमन राइट या कहें कि महिला आयोग जैसे चीखने वाले, ड्रामा करने वाले कोई भी दल नजर नहीं आया। आप देख रहे हैं घर के अंदर जो घुसे हुए भीड़ है, ये पूरे के पूरे महादलित लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि लोग हमें चलते फिरते जातिगत गालियां देते हैं, आज ये किसी के घर में घुसकर गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं। तो मरी हुई प्रशासन व्यवस्था लाचार और गुमनाम है। वो औरतों की टोली थी, अब ये मर्दों की टोली है जो घर वालों को डराने के बाद, सहमाने के बाद अब आई है, जो जीते हुए जगह है, अतिक्रमण करने वाली जगह है, उस पर घेराबंदी करने की। जो महकमा है आज हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। इसके नेतृत्वकर्ता वही सामंतवाद लोग हैं जिन पर आज तक ये आरोप लगाते आ रहे कि वो हम पर शोषण करते थे। इनका जो नेतृत्व हो रहा है, जब इनके तह में जाएंगे, इनमें ऐसे तह में मिलेंगे जो समाज के सबसे सम्मानित व्यक्ति, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र से गुजरे होंगे, वो सब के सब अपनी स्याह चेहरा लेकर इन लोगों को सह दे रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद आप ना समझ पाए, वो अपने स्याह चेहरे को चुनाव के समय या मतदान के समय या वोट मांगने के समय अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। ये जो मामला है पूरा का पूरा उसी विश्लेषण और उसी दुर्भाग्यपूर्ण रवैये का एक अंश है। देखें पूरी रिपोर्ट। दोस्तों कुमार, आप देख रहे हैं डीएनसी लाइव। मैं हूं बलिया प्रखंड अंतर्गत मनसिरपुर गांव के अंदर।
वैसे तो एक सामाजिक विडंबना का ही सामाजिक विवाद है जिसमें हमें कोई भी अधिकार नहीं होता है, किंतु जहां कहें कि मानव के जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई बात हो तो हम बोल सकते हैं एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में। यहाँ एक घर है, ज़रा दिखाएं, और जमीनी विवाद के अंतर्गत उस घर को घेर दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश पर इसको खोलेंगे, या उनका जमीन है, उनका जमीन बिल्कुल वास्तविक में हो ना हो पर्चा कटा हुआ जमीन है, वो कहते हैं उनका जमीन है, किंतु ये मानवता के आधार पर कहीं जायज नहीं है कि वो इसको घेर दें। यहाँ के सरपंच, लगभग 5-6 गांव के सरपंच ने फैसला किया और ये बंबू नहीं खुला। आवेदन थाना जा चुका है, आज 3 दिन तक प्रशासन की एक भी गाड़ी यहाँ नहीं आई है, जो कि विडंबना की बात है। इसी प्रशासनिक खामियां की वजह से हम लोग परेशान होते हैं। मैं देखता हूँ कि चीखते भारत में कुछ बुजुर्ग हैं, मैं न व्यक्ति की बात करता हूँ न विपक्ष की बात करता हूँ, निष्पक्ष एक आदमी है, मैं जरा उनसे मिलाता हूँ। तनिक अपने सरपंच भी गली है अपने जी, तनिक बताइए की दिक्कत है। दिक्कत तो यहाँ कुछ नहीं है, ये तो 4 पुश्त से यहाँ बसा हुआ है जी। 4 पुश्त से बसा हुआ है, घर बना हुआ है, सब कुछ यहाँ उसका है। उसके बाद आप मान लीजिए जो नापी जोखी या कुछ भी होगा तो कोर्ट से जो होगा उसका होगा। कोर्ट का फैसला, जैसे 4 पुश्त से बचे हुए हैं, इसका मतलब 40 साल, 50 साल, 80 साल जी बिल्कुल घेरना भी चाहिए। कोर्ट का जो फैसला हो जाएगा तो घेर लेगा, तो ये घेरा नहीं खुलेगा। घेरा तो खोलने के लिए तैयार नहीं, प्रशासन यहाँ नहीं आया, ये विडंबना है। साफ तौर पर हम कहें कि यदि प्रशासन इस चीज़ को देख रहा है, दूर तक जाएगी ये बात, और दूर के लोगों को देखने की भी जरूरत है। ये वही लोग हैं जो दरवाजे पर, अदालत के दरवाजे पर जोर जोर से चीखते हैं कि हमें न्याय नहीं मिलता है, और आज खुद ऐसे माहौल को क्रिएट करते हैं जो ये दरवाजे पर जाएं, वहां घसीट के ले जाएं, दोनों पक्ष ले जाएं। मामला कुछ भी नहीं है, जमीनी मामला है, दोनों का अपना अपना है, यही कहीं फैसला हो सकता है। आपका घर बंद है, कैसे निकल रही है आप यहाँ से? कनिक नजीक आइए, और नजीक आइए। इन घर को दिखाइए, ये घर लगभग देखने से लगता है कि 60 से 70 साल पुराना घर है। सुखाचार की धारा कहती है, सुखाचार 15 की धारा कहती है कि यदि एक आदमी यहाँ रह रहा है, यदि वास्तविक में भी सामने किसी का जमीन है तो भी उनको कम से कम आने जाने, रहने, हवा पानी तक का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सारे धाराओं को बंद कर दिया गया है। और ये मामला सुखाचार से रिलेटेड भी है, क्योंकि रास्ता तो इनका बनता ही है, उससे मामला लंबित है। ये हो गया है करीब 4 दिन। आप लोगों को पता चल रहा था कि झगड़ा है, वो लोग कितने दिन से कह रहे थे कि मेरा झगड़ा कोई नहीं है, तो वो लोग भी कहते होंगे ना कि मेरा जमीन है खाली कर दो। हाँ, एक बैग नापी हुआ, उसके बाद ये घेर दिया करके। तो नापी का मतलब है कि किसी के आदेश पर नापी हुआ या क्या था? सरपंच साहब जो है अभी तो का आप लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं किया नापी के समय, समर्थन नहीं किया? जी नहीं। क्यों नहीं किया, करना चाहिए था ना, क्या करेंगे? जब सरपंच कह रहा है नापी करवाने के लिए तो आवेदन दिया होगा, वो उनके पास भी आवेदन होगा ना? आवेदन कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं। ऐसा आपके पास पंचायत का नोटिस नहीं आया? जी नहीं, कुछ नहीं किया। पंचायती राज के द्वारा एक कानूनी सलाहकार दिया गया है सरपंच साहब को, लेकिन ऐसा है उनके पास पावर भी दिया गया है, एक वकील रहता है, मालूम है ना आपको? जी, लेकिन वो सब कुछ नहीं, हम लोग को कुछ मिलवे नहीं किया। आपके पास कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं, सीधा घेराबंदी कर दिया? बिल्कुल, आकर के घेराबंदी कर दिया। लेकिन फोटो वीडियो में तो आएगा लो अंदर लाके पहना ले कपड़ा तो ना कर ना कर नेक्स्ट बार तो आन मतलब नहीं है। लोग, यही समाज की विडंबना है। वास्तविक में जहां कहना चाहिए वहां कहने से कतराते हैं। जब विवाद होता है, उलझन होता है, तो ये उग्र होते हैं, उस समय उग्रता दिखाएंगे, लेकिन जो वास्तविक है वो बोलने में कतराएंगे, जिसकी वजह से आज हम लाखों लाख लोग सिर्फ अदालत की चक्कर काटते हैं। आप कहेंगे, एक तो आदमी कहेंगे सिर्फ कहना है, किस लिए, कैसे, आदमी का घर है तो घेर दिया गया है एकदम, तो क्या घेर दिया गया है? वो लोग क्या बोला है, क्या हमारा जमीन है? सपना, तुम्हारा अगर जमीन है तो नपा करके हमको दिखाओ। तो हम लोग नपाए सरपंच मुखिया को रख करके। सरपंच साहब 2 दिन रहा,
हम भी जमीन रखे हैं दो दिन, उसके बाद हमारा जमीन उसके 4 फीट घर में घुस गया है। अच्छा। हाँ, एक खेसरा में 518 नंबर खेसरा में। तो लोग क्या सोचता है जो हम लोग इतना दिन से रहे हैं से हमने इधर से छोड़े हुए। कितना दिन से लोग रह रहा है उसमें? आपसे जी 1983 में वो लोग हमसे कवाला लिया है, उसी पर हम लोग जो है जानकारी हुआ तो पता नहीं था कि कवाला हो चुका है। जब हम 1983 से पहले वो लोग रह रहा है वहाँ पे, 1983 से मतलब रह रहा है वो। बाकी जो जमीन है हमारा वो सब ऐसे धीरे 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 हम लोग को किसी को मान चलिए हम लोग हरिजन सोचा कि ये लोग हरिजन है, इसको उतना पावर भी नहीं है जो वो लोग यहाँ पर हमारे साथ में दबंगगिरी हमारे साथ करता है वो लोग, कि हम लोग कैप्चर करने के लिए मतलब कुछ उधर करने के लिए जाते हैं तो पूरा मार मार करके होता है। लेकिन अभी जैसे घर पूरा जो है आपने घेर दिया है, वो वहाँ पूरा उन लोगों को जो घेर दिए हैं वो घेरे ऐसे अनुसार से घेरे नहीं, कागजी मैटर का बात किया था, जो कागज जिनको पास है वो कागज जो है दोनों पार्टी लेकर के दिखाइए उसी का जमीन होगा वहाँ जो है कागज। हम लोग का खतियानी जमीन है, खतियान है, हम ही सो एक कट्ठा वो कवाला लिया है जो खेसरा को कवाला। लेकिन आप बोले 83 कवाला, लेकिन वहाँ तो सैकड़ों साल से रह रहे हैं। नहीं, 83 में कवाला हमसे लिया है, कवाला 83 में कवाला लिया, उसके बाद 2008-07 में रमेश्वर बाबू को 2.25 कट्ठा कवाला दिए हैं वही खेसरा से। उसमें हम और आदमी जो इस घर जब मामला जो घेरने का मामला है, घर जो ये घर जो है ना वो मामला है, वो मामला जो है रोड बना रहे थे उसमें वो लोग विरोध किया, बोला कि तुम्हारा जमीन नहीं है ये, तुम ये चीज़ का हम लिए समझौता रखे कि ये चीज़ जो है ना हम अपने सब सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समुदाय भवन बनाएंगे रोड के साइड में 4 फीट है ना अंदर काटेंगे, उसके बाद तुम्हारा जो है हम तो उधर जाते नहीं हैं, वो लोग को भी अच्छा रहेगा हम लोग को भी अच्छा रहेगा, जब वहाँ पर समुदाय भवन एक बैठका बन जाएगा तो उनका घर के सामने जो जमीन है सामुदायिक भवन किस समुदाय भवन क्यों बनेगा जी, किसी का आपका हो या उसका? इस पार में बनेगा समुदाय भवन, बनने का था इस पार में रोड के पूर्व साइड में, पूर्व साइड में उस पार में जो जमीन घेरा हुआ वो तो पश्चिम साइड है ना। हाँ, घेरा हुआ पश्चिम साइड है, वही लोग बोला था ये तुम्हारा जमीन नहीं है, तुम्हारा जमीन है तो कागज दिखाओ उसके बाद हम वैल्यू देंगे कि हाँ तुम्हारा जमीन जहाँ निकलेगा ना वहाँ से हम देंगे, बोला था कि उस टाइम घर तोड़ के देंगे, घर रहेगा तुम्हारे जमीन तो घर तोड़ के देंगे, ऐसा बात किया था। लेकिन निर्णय होने के बाद लोग घर तोड़ देते, फैसला ना होता है, लोग विरोध किया था। फैसला कब? फैसला कैसे होगा? फैसला कोई न्यायालय होगा, कोई सरपंच होगा, जो पंच होगा उसके सामने फैसला होगा, मर्जी से फैसला नहीं होता है ना। आप लोग घेर दिए अपनी मर्जी से? हम अपने मर्जी से नहीं, प्लस की हम जो जनता है हमारे जमीन थी, हम पंचायत भी रखे सरपंच साहब, 3 दिन के मोहलत दिए थे उन लोग को कि 3 दिन में आप लोग पंचायती रखिए, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए हैं हमारे तरफ से। क्या मोहलत दिया गया उनको कि 3 दिन में आप घर खाली कर दीजिए? नहीं, पंचायती में जो जो आदमी बैठाना चाहते हैं बैठाइए 3 दिन में और कागज जमा कीजिए, पेपर भी जमा कीजिएगा तब ना, आप किसी जमीन पे मतलब कि जो बस रहे हैं तो उसका पेपर। उसके बाद सरपंच साहब ने क्या कह दिया कि आप घेर दीजिए उसको ऐसे उनके घर? सरपंच साहब ने कहा? सरपंच साहब का लिए कहेंगे हम, जब सुनिए ना, पंचायती में वो लोग नहीं गए, हम लोग पंचायती में बैठे रहे, सरपंच मुखिया जो भी लोग थे सभी उपस्थित वहाँ बैठे हैं, लेकिन ये लोग नहीं गए वहाँ पंचायती को विरोध किया, हमको अच्छा नहीं लगा, जो हम आपको बुलाएंगे अगर आपको कोई अच्छा नहीं मानेगा तो हमको बुरा लगेगा ना, तो उनको घेर दिया जाएगा। ये मामला देखिए सिविल का मामला बनता है, हम सिर्फ आदि आए हैं वहाँ देख रहे हैं, हमने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, न्यूट्रल पर्सन को बुला के बात किया। मामला होता है सुखाचार का, एक मामला होता है जहाँ इंसान रह रहे हैं, आप जब तक वो रह रहे हैं सैकड़ों दिन से रह रहे हैं, उनके आने जाने का सबसे पहले आपको किसी भी हाल में, आपका जमीन है तो भी आपको इस तरह जैसे घर घेरा गया है ऐसे नहीं घेरा जाता है। कागजी मैटर का बात है सर, कागजी मैटर का बात है, वो लोग का टाइम दिया था हमको घेरने पे मजबूर किया गया, जाति सूची नाम पे गाली देता है वो लोग, हमको चमार बोलता है, बेटी चोर चमार। ये हथियार आप कोर्ट में अप्लाई करो तो हमारे लिए ना बोले तो अच्छा बात है, ये बात नहीं, ये बरगलाने की बात ना करें। आप देखिए, आप जो जाति सूचक, पहले मेरी बात सुन लीजिए,
जाति सूचक का मतलब आप पूरी दुनिया में अकेले चमार तो नहीं है ना? नहीं, पूरे सब चमार है, पूरे भारत में चमार है। यहाँ झगड़ा दो घर के बीच में है या दो लोग के बीच में है, उसका फैसला तब हो पाएगा जब आप इस आडंबर से निकल के सामने आएंगे। कोई मतलब नहीं है, आप लड़ाई को ये भूल जाइए। वहाँ पर पंडित या जो शर्मा है वो दो घर है, अब मंसेरपुर में और भी है, सदानपुर में भी है, तुलसी टोला में भी है। आप क्यों ऐसी बात बोल करके जाति का आपके ऊपर आप जिस तरह बोल करके बात को उलझाना चाहते हैं, बात को उलझाना नहीं चाहते हैं, बात हम क्या उलझाना चाहते हैं? आप क्यों खुद को, मैं यहाँ पर उन किसी को दूसरे को बोल रहे हैं कि हमको, यदि जो आपने इसका अभी तक आवेदन दिया है कि हमको चमार बोल के गाली देता है, आवेदन दिए हैं, कब दिए हैं बताइए? अभी जो आवेदन है, मामला सिर्फ इतना है कि एक आदमी है जिसका घर घेरा हुआ है। और क्यों घेरा हुआ है? घर क्यों घेरा है? हमारा जमीन है, हम अपना जमीन को घेरे हैं। सैकड़ों साल के बाद आपकी जमीन हुई तो इसके लिए निर्णय की आवश्यकता है? निर्णय हुआ है ना, लेकिन कहां से निर्णय हुआ है? कोई पर्चा आपके पास? पेपर हमारे पास क्या रहेगा? वहाँ वो लोग पर्चा दिखलाए ना, वो लोग रह रहे हैं, वो लोग दिखलाएंगे ना कि हमारे पास क्या पेपर है। हम वो लोग रह रहे हैं ना वहाँ पर, अब आपको वहाँ जाने के लिए कुछ दिखाना चाहिए। हम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? हम अपने पास खतियान है, मेरे पास दादाजी की नाम से, जो हम लोग अभी थाना में जमा कर वो खतियान आप सिर्फ यहाँ जो हमारे पास अधिकारी होते हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे ऊपर वार्ड कमिश्नर है, सरपंच है, इनके ऊपर फिर देखिए जो जमीन का मामला है तो सीओ साहब बैठे हुए हैं। आपका खतियान है, यदि मुनासिब है, आपको अधिकार है कि आप सीओ साहब को दें, वो आके खाली करवा दे। तो ऐसे बातों में आपका ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि वो पंडित है, हम चमार हैं, वो भूमिहार हैं, वो जादव हैं, बात नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैसे आएगा? पंचायत का बात निर्णय हो जाएगा सर, पंचायत का बात रखा था ना, बोला पंचायत में हम पेपर दिखाएंगे, 3 दिन का मोहलत वही लोग रखा था, 3 दिन में हम पेपर दिखाएंगे, यही बात वो लोग रखा था, नहीं रहे हैं, नहीं पेपर नहीं दिखाए। उसके बाद हम लोग मजदूर क्लास का आदमी है, नए अभी रोजी रोटी नए काम करेंगे तो क्या खाएंगे? वो लोग मजदूर नहीं है, चमार माधर चोद क्या कर लेगा? यहाँ पर आएगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूरा गाली देकर के बात करता है। आपको ऐसा जाति विवाद के लिए बात करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं उठेगा? जो बात आप कह रहे हैं, जो ऐसा बात करता है, अभी तो कैमरे पर वो नहीं बात चली, आपके सामने जैसी बातें करता है तो वो बात आप कर रहे हैं, खुद को अभी आप खुद को घृणित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया लेकर आइएगा, सोशल मीडिया नहीं, ये मीडिया में ये साफ कर दूं, ये हमारी सामाजिक विडंबना है। बात जमीन की है और आप जात पर जाते हैं, जाति विवाद पर है ना, जाति विवाद, कोई धारा नहीं। जब जमीन का निर्णय होगा तो आपका सिर्फ जमीन का धारा होगा। आप सदियों तक आप पहले इस विवाद में जाति विवाद का कोई धारा, सुनिए एक मिनट, देखिए पहले बता देते हैं, सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं ना, ये मामला देखिए, सुनिए पहले हम समझ लेंगे, पहले सुनिए बताते हैं, पहले से बताते हैं, आप जो बोल रहे हैं, चुप रहो, पहले चुप रहो, जो आप बोल रहे हैं का मामला जमीन से अलग कोर्ट में जा रहा है, जो मैं साफ कर दूं आपको, जो आप बोल रहे हैं ना, बंद कीजिए पहले, जबरदस्ती बात नहीं कीजिए, अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं, पकड़िए तो क्या आप मारिएगा हमको? हरजन कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, हम आपको कोर्ट में जाने के लिए आए हैं, सीरियस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मीडिया में हम आपको कोर्ट में, आप खुद जाने हमको गाली दे रहे हैं, बस इतना किया घेरल से घोर का।